HD प्लस टेलीविजन नेटवर्क में खुश आमदीद, मैं हूं असलम जावेद और आज हमारे साथ हैं रुबाब जहरा साहिबा जो कि विजुअल आर्टिस्ट हैं और फनून आर्ट गैलरी के इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। आइए जानते हैं रुबाब जहरा से कि आज के इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। रुबाब कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। ये बताएं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे आप? प्रोग्राम इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, ब्यूटीफुल इवनिंग, बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों को देख के, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क देख के। इट्स रियली ब्यूटीफुल इवेंट, वेरी वेल पुट टुगेदर। अच्छा, हमने रुबाब देखा कि आपकी पेंटिंग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पेंटिंग है आपकी और तमाम पेंटिंग्स में से ये एक नुमाया पेंटिंग नज़र आ रही है, तो मैंने सोचा कि इस पेंटिंग करने वाले जिसका जो खालिक है उससे मैं लाजम बात करूंगा। मैं तो इस वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये बताएं कि आप अपनी पेंटिंग की डेफिनेशन बताएं जो आम लोगों को जो समझ क्योंकि नहीं समझ पाते हैं। जी एक्चुअली आई ट्राइड टू शो डाइवर्सिटी के जैसे हम UAE में भी देखते हैं कि वी बिलोंग टू पीपल, वी हैव पीपल दैट बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हम देखते हैं कि कोई किसी औरत का सर ढका हुआ है, somebody wears hijab, somebody wears skirt, ठीक है, वी आर ऑल डिफरेंट बट इनसाइड अ वुमन इज द सेम, वी आर ऑल आर्टिस्ट, वी आर ऑल स्ट्रॉन्ग, वी हैव आवर ओन क्वालिटीज, आवर ओन स्ट्रेंथ्स, डजंट मैटर हाउ somebody लुक्स, नेवर गो ऑन द लुक्स, इनसाइड एवरीबडी इज स्पेशल, एवरीबडी गॉट सम स्ट्रेंथ इन इट इन देम। अच्छा रुबाब, ये बताएं कि आपकी पूरी पेंटिंग में ख्वातीन की आंखें बंद हैं और ये हाइड किया हुआ, क्या इसकी क्या वजह है? बिकॉज पर्सनली आई डोंट पेंट आईज, दैट्स वन रीजन, एंड सेकेंडली इट्स जस्ट द वे आई रिप्रेजेंट माई वर्क, बिकॉज आईज हैव, इफ आई विल शो द आईज फॉर मी दैट विल यू नो मे हिंडर, बिकॉज आईज हैव फीलिंग्स, आईज इज यू नो शोज व्हाट्स गोइंग इनसाइड, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो माई कॉन्सेंट्रेशन वॉज ऑन द लुक्स, नॉट हाउ समबडी फील्स, how we look at someone, because everybody is judgmental these days, we look at someone, somebody is wearing weird clothes, okay she must be like that, she must be like that, she is conservative, she is very modern, we have our perception about anybody based on their looks, so I just represented that doesn't matter how somebody looks from outside, inside we all are special, every woman is an artist herself, doesn't matter she is artist with the brushes or she is designing her own home, her own family, so we should not be judgmental based on the looks, we all are same and we all are special somehow in some different ways. Tanishi bataye ki aisi kya cheez hai aapko appeal karti hai ki aap painting karti hain? I graduated in biotechnology. I never holded a brush in my life. I'm a self-taught artist. और ये मैं बहुत देर से मुझे मैंने discover किया कि this is something that belongs to my soul. So I just love doing it. I want to express myself. It's rejuvenating for me. It's relaxing for me. And it's just something very special to my heart. Painting करने के बाद जब painting तैयार होती है तो आपकी क्या feeling होती है? मैं खुद ही critic भी हूँ अपनी, तो करती हूँ, फिर देखती हूँ, समटाइम्स कुछ चेंजेस करती हूँ, समटाइम्स मुझे लगता है कि व्हाट आई वांटेड टू शो आई हैव डन माय जॉब, बट समटाइम्स इट जस्ट फील्स इट्स नॉट ओके, सो इट्स बेसिकली आई जस्ट क्रिटिसाइज माय ओन वर्क बिफोर रिप्रेजेंटिंग इट टू समबडी एल्स। जब आपकी पेंटिंग्स की, आपके आर्ट की, आपके काम की, आपकी काविशों की जब अप्रिसिएशन होती है या उसकी तारीफ होती है, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा, यकीनन बहुत अच्छा, बिकॉज आई एम अ मदर एज वेल, सो मदर, अ वाइफ, सो सब कुछ ले के साथ चलना, एंड देन आई टेक आउट माई स्पेशल टाइम, माई ओन टाइम टू डू दिस, एंड आफ्टर दैट इफ समबडी अप्रिशिएट्स दैट, इट रियली मेक्स मी फील गुड, दैट कीप्स मी गोइंग एक्चुअली, के अगर कोई अप्रिसिएशन मिलती है तो दैट कीप्स मी गोइंग, के या आई शुड कीप ऑन डूइंग इट, आई कैन डू दिस। रुबाब ये बताएं कि जो लोग नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, विजुअल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देंगी कि वो इस फील्ड में आकर अपना करियर कैसे बनाएं? मैं उनको यही कहूँगी कि इफ समबडी फील्स फॉर दिस के दे हैव द आर्टिस्ट इन देम, दे शुड ऑलवेज गो फॉर इट, बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड एज फार एज आई नो हम लोगों को इनकरेज नहीं किया जाता टू गो टूवर्ड्स फाइन आर्ट्स, वी आवर पेरेंट्स, आवर सिस्टम, एवरीथिंग, इवन माई सेल्फ आई वॉन्टेड टू बी समथिंग एल्स, but later on I discovered that how special this is to me, so if you feel it initially you should definitely go for it, because koi bhi field bura nahi hai, every field is special, and same as the field of art, so if somebody has a natural talent and they have they want to go for it, they should definitely go for it, it's a very very worth it, it's a worth it. Rubab humne aapki painting dekhi, bahut acha laga aapki painting dekhkar, ye bataye क्या आप और मजीद किस किस टाइप की पेंटिंग्स करती हैं आप? मोस्टली आई डू अरबिक कैलीग्राफी,
और उसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव करती हूँ जस्ट टू शो डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड ऑल. सो आई डू एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव आर्ट प्लस मोस्टली आई डू अरबिक कैलीग्राफी. सो आई फॉर नाउ आई विल बी स्टिकिंग टू इट फॉर अ वाइल. चले जी, असलम जावेद से बात करने का बहुत शुक्रिया. HD+ से बात करने का बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग.